प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और इसी के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, पीएम मोदी विश्व राजनीति में ग्लोबल नेता बनकर उभर रहे हैं। पीएम मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा, ताकत और कद को काफी बढ़ाया। वहीं केसवन ने राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए कहा, राहुल गांधी इसी के उलट विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन ने कहा, मोदी जी वैश्विक राजनीति में ग्रेट यूनिफायर के रूप में उभरे हैं, जो न सिर्फ देश बल्कि विश्व के एकीकरण का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने भारत की प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए वैश्विक स्तर पर काम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक विश्व बंधु बन गया। और वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा, जहां एक तरफ पीएम मोदी एक ग्रेट यूनिफायर हैं जो जोड़ने का काम करते हैं और ग्लोबल नेता बनकर उभरे हैं, वहीं इसी के उलट कांग्रेस के दिग्गज नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक खतरनाक काम बिगाड़ने वाले हैं और वो एक खतरनाक तोड़ने वाले हैं। केसवन ने कहा, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत का अपमान करते हैं। जब वो हाल ही में अमेरिका के दौरे पर थे तब वो उन लोगों से मिले जो भारत के खिलाफ रहते हैं। वो इल्हान उमर से मिले। इल्हान उमर अमेरिका का एक विवादित चेहरा है। इल्हान उमर समय समय पर मोदी सरकार की कई नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल चुकी हैं। उन्होंने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की थी। इल्हान उमर से राहुल गांधी की मुलाकात के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला था।